राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हल्ला बोल, कहा देश में बिजली नहीं और जापान में बजा रहे हैं ढोल। प्राइम मिनिस्टर जापान में ढोलक बजा रहे हैं और यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे सब्जी के दाम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। राहुल के वार पर विफर पड़ी बीजेपी, कई नेताओं ने किया पलटवार। सर जो राहुल जी ने कहा, प्लीज सर, उनका पार्टी वाले खुद उनका नहीं सुन रहे, हम क्यों सुने। अमेठी के दौरे पर गए राहुल गांधी का घेराव, बिजली कटौती से नाराज थे लोग। लोगों ने राहुल गांधी से की शिकायत, उनके क्षेत्र को मिलती है सिर्फ 3 से 4 घंटे बिजली। बिजली का बहुत ज्यादा समस्या, बिजली आ नहीं रही है और 2-3-4 घंटे आती है, बहुत ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा। राहुल ने लोगों को दिया भरोसा, अखिलेश यादव को इस बारे में लिखी है चिट्ठी। बहुत ज्यादा मैंने भैया चीफ मिनिस्टर जी को चिट्ठी, बहुत ज्यादा समस्या। 7 RCR में 350 शिक्षकों से मिले प्रधानमंत्री, कहा टीचर पूरी जिंदगी रहता है, टीचर कभी नहीं होता रिटायर। शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता है, कभी रिटायर नहीं होता है, नौकरी रहे या ना रहे लेकिन वो रिटायर नहीं होता है। वो अपने पोते के पोतों को देखेगा, बिठाएगा, आओ चलो बैठो, वो 90 साल की उम्र में भी ये करेगा, देखो ये आता नहीं आता, चलो लिखो। मोदी ने बताया सरकारी स्कूल में हुए उनकी शिक्षा, सभी की जिंदगी में टीचर की खास भूमिका। साढ़े 350 शिक्षकों को मिलेगा नेशनल अवार्ड, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे शिक्षकों का सम्मान। है कि वो विद्यार्थी आपके जीवन के संघर्ष से, आपके अपने योगदान से और आपके पाठ्यक्रम को दर्शाने के माध्यम से स्वयं खुद ही उनको लाभ होगा और वो जीवन में खूब आगे बढ़ेंगे। मुंबई पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, बोले महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के स्वराज के बाद फिर स्वराज का उदय होगा। ये जमाने में स्वराज की शुरुआत जहां से शिवाजी महाराज ने करी थी और आज कांग्रेस मुक्त भारत के तीसरे अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र करने जा रहा है। अमित शाह ने दिया नारा, छत्रपति का आशीर्वाद, चले चलो मोदी के साथ। विजय हमारा निश्चित है मगर विजय ऐसा चाहिए कि यहाँ पर भी कहे कि लीडर ऑपोजिशन का तो पद दे दो, ऐसा विजय करके आइए। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से भी मिले अमित शाह, प्रदीप शर्मा के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, रेप का आरोप। कुछ दिन पहले हुई गौड़ा के बेटे की सगाई, सगाई के बाद एक लड़की ने दर्ज कराई शिकायत। गौड़ा के बेटे के खिलाफ आरोप को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, रेल मंत्री का मांगा इस्तीफा। राजस्थान के बाड़मेर में बीजेपी नेता के बेटे ने नियम कानून की उड़ाई धज्जियां, बीएसएफ रेंज में बंदूक से की शौकिया फायरिंग। जोगराज सिंह राजपुरोहित के बेटे गौरव राज सिंह कर रहे थे फायरिंग, आसपास मौजूद थे सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी। राजस्थान के राज्यपाल बने कल्याण सिंह, जयपुर में दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। अलग रंग में नजर आया राजभवन, शपथ ग्रहण के दौरान पूरे वक्त होती रही नारेबाजी। कल्याण सिंह ने इस नारेबाजी को जायज ठहराते हुए कहा कि यह है आस्था से जुड़ी बात, नारे लगाना गुनाह नहीं। निष्ठा, निष्ठा का प्रश्न है कि जिसकी जिसमें निष्ठा है उसकी जयकारा बोलता है, अब बोल दिया तो इसमें कोई गुनाह तो कर नहीं दिया है, श्रद्धा का विषय है ये, किसी की श्रद्धा पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। तिरुवनंतपुरम से शीला दीक्षित की औपचारिक विदाई, केरल की राज्यपाल पद से दे चुकी हैं इस्तीफा। गणपति पूजा के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, 7% बढ़ा महंगाई भत्ता, बेसिक वेतन का 107% मिलेगा महंगाई भत्ता, 1 जुलाई 2014 से होगा लागू। रिटायर हो चुके लोगों को भी मिलेगा फायदा, पेंशन पर महंगाई भत्ता लागू।
जो भी भारत सरकार के कर्मचारी हैं उन सबों को डियरनेस अलाउंस का एडिशनल इंस्टॉलमेंट जो 1 जुलाई 2014 से दिए है उसको रिलीज करने के निर्णय किया गया है। वो उसका एक प्रेस्क्राइब रेट है 107% ऑन 100% रेट, ये प्रेस्क्राइब रेट उसको देने का निर्णय किया गया है। कैबिनेट की बैठक में मोदी के जापान यात्रा की भी चर्चा, कामयाब दौरे को लेकर बधाई। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक की मांग, अब सोमवार को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को राहत, यूपी में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने पर लगाई मुहर, उर्दू को हटाने की याचिका खारिज की। लवजिहाद शब्द के इस्तेमाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का नोटिस, यूपी सरकार से 15 सितंबर तक मांगा जवाब, याचिका में लवजिहाद शब्द को रोकने की मांग। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, टाटा ट्रक रिश्वत केस में जेल में बंद है तेजिंदर सिंह। अलकायदा ने वीडियो जारी कर भारत को दी है धमकी, भारत में अलकायदा के विस्तार का किया है दावा। अलकायदा के वीडियो में कश्मीर, गुजरात और असम का जिक्र, गृह मंत्रालय कर रहा है वीडियो की जांच। अलकायदा की धमकी के बाद देश भर में आईबी ने जारी किया अलर्ट, गृह मंत्रालय में शीर्ष अधिकारियों की बैठक। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की बैठक की अध्यक्षता, आईबी रॉ चीफ के अलावा एनएसए भी बैठक में मौजूद, बीजेपी ने कहा केंद्र सरकार अलकायदा के मंसूबों को करेगी नाकाम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शहजाद को किया तलब, शहजाद ने इसे निजी बातचीत बताया, पीसीबी कर रहा है मामले की जांच लेकिन मामले की आधिकारिक तरीके से नहीं की गई है शिकायत। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से आफत, बाढ़ के चलते 15 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा बाढ़ प्रभावितों का रेस्क्यू किया गया। रामबन के पास लैंडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, हाईवे पर गाड़ियों की लगी लंबी कतार। श्रीनगर के ज्यादातर स्कूलों में भरा पानी, पानी के चलते आज स्कूलों में छुट्टी, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक बारिश जारी रहने का जताया अनुमान। बाढ़ के चलते जम्मू कश्मीर की सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर, मुख्यमंत्री उमर अब। 35 साल बाद कश्मीर घाटी में हो रही है ऐसी बारिश, श्रीनगर के ज्यादातर इलाके में घुसा पानी। उधम सिंह नगर में बारिश की वजह से जमीन धंसी, गाड़ियों के आने जाने में मुश्किल। दिल्ली में बारिश की मेहरबानी जारी, मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना। दिल्ली के अरविंदो मार्ग पर भरा पानी, कई इलाकों में लगा ट्रैफिक जाम। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने कहा 24 से 48 घंटे तक होगी मूसलाधार बारिश। लठारी कांड के गुनहगार सुरेंद्र कोहली को मेरठ में दी जाएगी फांसी, जारी हो चुका है डेथ वारंट। सूत्रों के मुताबिक कोहली को 12 सितंबर को दी जा सकती है फांसी, यूपी के जेल राज्य मंत्री ने कहा इस मामले में आईजी से हो चुकी है बात। कब दी जाएगी इसका तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आईजी जेल से मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा कि मेरठ में फांसी दी जाएगी। गाजियाबाद के डासना जेल में बंद है कोहली, परिवार वालों से मिलने से किया इनकार। परिवार को लेके उसने यही कहा है कि मेरे परिवार वालों को न बुलाया जाए, ये बुलाया जाए, यदि आते हैं वो लोग तो उनको सुरक्षित घर तक पहुंचा दिया जाए। कोहली को फांसी दिए जाने से खुश है निठारी कांड के पीड़ित अभिभावक, कहा पंडेर को फांसी मिले तो असली खुशी। बदायूं कटरा कांड के मुख्य आरोपी पप्पू और उसके दो भाइयों की जमानत मंजूर, पीड़ित परिवार से सीबीआई ने की पूछताछ। बिहार सरकार ने माना दवा खरीद मामले में हुई है गड़बड़ी, ब्लैक लिस्टेड दवाओं की खरीद जांच के लिए बनी कमेटी ने की घोटाले की पुष्टि। तारा शाहदेव मामला सियासी सुर्खियों में, राज्य के मानव संसाधन विकास मंत्री गीताश्री उरांव ने की सरकारी नौकरी की पेशकश। आरोपी रंजीत को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा, मां कौशल रानी 2 दिन की पुलिस रिमांड पर।
रिटर्न ऑर्डर के दादरी स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, बुधवार शाम ट्रेन की चपेट में आकर 3 युवकों की मौत। फाटक पार कर रहे बाइक पर सवार 2 युवक झारखंड एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आए, कार में मोबाइल लीड लगे होने से नहीं सुन सके ट्रेन की आवाज। बुधवार शाम को ही एक और युवक की ट्रेन से कटकर मौत, पटरी पार करते समय दिल्ली राजधानी ट्रेन ने कुचला। यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती नैनो कार में लगी आग, चंद मिनटों में कार पूरी तरह जलकर खाक। आग लगने से पहले कार में सवार सभी लोग बाहर निकलने में कामयाब, आग के कारणों का भी पता नहीं।